Okay, hello, hello, hello. चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मुकुल सो आ जाइए बच्चों फटाफट गुड मॉर्निंग सुंबजीत गुड मॉर्निंग राधिका मंजीत शिवम रुशाली मुकुल कंपनीज एक्ट तो कल ही शुरू हो गया मुकुल अभी और क्या शुरू करूं अभी कल ऑथोरिटी स्ट्रक्चर कर लिया हमने चैप्टर के नाम कर लिया एक्ट ऑलरेडी कल शुरू हो चुका है कहां हो जिंदगी में गुड मॉर्निंग युक्ता गुड मॉर्निंग रजीत शिवम मंजीत संस्कार शुरू करते हैं अभी अपन okay, कल जो होमवर्क दिया था सबने किया मुझे हार्डली पांच से दस टैग आए हैं तुम्हारी तुम्हारी इंस्टाग्राम के ऊपर पसंद नहीं आई तुम्हारी हार्डली चार पांच टैग आए इंस्टाग्राम के ऊपर होमवर्क किया करके जिस जिसने होमवर्क नहीं किया उसको अब मैं अटैम्प की कसम दूंगा तुमको बुरा लग जाएगा फिर तुम बोलोगे एग्जाम की कसम देते हैं अटैम्प की कसम देते हैं करके ठीक है एक बार आपने याद रखना सवेरे का समय है और मैं सबको बताना चाहूंगा ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट ठीक है मेरी क्लासेस को तभी ज्वाइन करना ये आपको कोई क्लास टीचर बोलेगा नहीं पहले छह सात क्लासेस के अंदर या दस क्लासेस में कभी नहीं बोलेगा पर मैं आपको डंके की चोट के ऊपर अभी बोल रहा हूं मेरी क्लासेस को तभी ज्वाइन करने की हिम्मत करना जो आपकी मेहनत करने की तैयारी हो फुकट में मैं तुम्हारा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करवा सकता मैं तुमको पानी तक लेके जा सकता हूं पानी कैसे पीना है इसका टेक्निक दे सकता हूं पानी तुमको ही पीना पड़ेगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हा ना तुमको झगड़ना पड़ेगा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी तुमको ही सब करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आने वाला है मेरे वजह से रिजल्ट नहीं आने वाला और ना ही आपके रिजल्ट का क्रेडिट मेरे को चाहिए बच्चों जो मेरे क्लास में जी तोड़ मेहनत करने के लिए रेडी है जो ताकत लगाने के लिए रेडी है डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी है सर ने कोई चीज पचास बार लिखने के लिए बोला पचास बार लिखने के लिए रेडी है बस उसी ने सिर्फ उसी ने मेरी क्लास ज्वाइन करना अदरवाइज बच्चों प्लीज मुझे माफ कर देना हमें मेहनती लोगों की जरूरत है हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ यह बोलेंगे कि नहीं दर्शन सर संभाल लेंगे और क्लास के भरोसे पे हो जाएगा दर्शन सर तो संभाल ही लेंगे दर्शन सर जहां तक संभाल सकते हैं पिछले पांच छह लेक्चर्स में आपने देखा ऑलरेडी कि हम कहां तक संभाल रहे हैं क्लियर है सबको हाँ ना, यहां तक के हर एक चीज आपको याद करवा दी जा रही है जहां तक हो सकता है लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो यह चीज को आपने याद रखना कोई आपको सक्सेस नहीं दे सकता खुद भगवान भी नीचे आ जाए तो भी वो आपको सक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि मेहनत करना जरूरी है भगवान भी वही बोलता है मेहनत करो भगवान के भरोसे पे मत बैठो क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे पे बैठा हो तो जिन जिन बच्चों ने कल होमवर्क नहीं किया ठीक है हां होमवर्क किया है और इंस्टा अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ, नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छी बात है फिर तुम बहुत बेस्ट पर्सन हो अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक वाला कोई भी अकाउंट नहीं है तो होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूं लेकिन जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है मैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दू दिस इज नॉट अ राइट वे टू पास अब आप इसको डराना बोल रहे हो और मुझे माफ कर दो अगर मैं आपको डरा रहा हूँ तो लेकिन जो लोग साल साल भर मेहनत करते हैं वो भी सीए में फेल हो जाते हैं बच्चों मुझे एक बार बताओ अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कहां से पास होंगे राइट वे right अगर आप में से जितने भी बच्चे लाइव है या कल जितने बच्चे लाइव थे अगर आप में से किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो इट इज अस मैटर वेरी सीरियस मैटर और मैं तो इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं यहां तो मैं क्या बगबक करके चला जाऊंगा बाबा जी का प्रवचन देकर चला जाऊंगा अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपको ये लेक्चर्स किसी काम में नहीं आने वाले अब जिन लोगों ने कल होमवर्क नहीं किया मैं फ्रेंकली पूछना चाहता हूं जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं अभी जो लाइव लेक्चर देख रहे हैं या आगे जो लेक्चर्स देखेंगे मैं फ्रेंकली पूछना चाहता हूं ऐसा क्या काम कर रहे थे आप ऐसी कौन सी चीज थी जो आप कर रहे थे जिसकी वजह से होमवर्क नहीं किया हाँ आपके मैम मॉम डैड का कोई प्रॉब्लम होगा या आपके भाई बहन का प्रॉब्लम होगा तो वो बात अलग है पर ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से होमवर्क नहीं किया कभी तुमने देखा तुम्हारी मॉम छुट्टी पे गई है और बोली कि नहीं आज मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मेरे बेटे के लिए या पापा बोल रहे हैं कि नहीं आज मैं मैं जॉब पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं नहीं कमाऊंगा आज मुझे मजे करने हैं नहीं वो डे बाय डे मंथ बाय मंथ वीक बाय वीक ईयर बाय ईयर वही टास्क करते जा रहे हैं और वो कंप्लेंट भी नहीं करते क्यों क्योंकि क्य उनका बेटा या बेटी ठीक से पढ़ पाए तुम्हारे डैड को कभी पूछना अगर वो छुट्टी ले तो उनके दिमाग पे पहला टेंशन आता है कहीं सैलरी कट होगा का कहीं तकलीफ होगी का बिजनेस पर आ जाए तो कहीं बिजनेस को तो डैमेज नहीं होगा घर पे पैसा कहां से आएगा ये चीजें वो लेके चल रहा है अगर तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम छुट्टी नहीं लेते हां अगर लेते भी है तो तुमको साथ में लेके लेते, है। ले है, लेते हैं तुमको कहीं घुमाने लेके जाते हैं उसके साथ छुट्टी लेते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ समय बिता पाए कंसप्ट समझ पाए अगर इस केस में आप खुद खुद का ड्यूटी नहीं कर सकते जब वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं मैं फिर क्या बोलू ठीक है दिस शुड नॉट हैपन नेवर एवर इसके बाद में आज आपने होमवर्क नहीं किया है तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया ईमानदारी से ईमानदारी से अगर तुमको मेरे ऊपर एक परसेंट भी विश्वास है और तुम तुम्हारे मॉम डैड ने किए हुए तुम्हारे प्रयासों को कुछ चीज करके उनको रिटर्न देना चाहते हो अपने मॉम डैड के प्रयासों को तो कल जो मैंने चैप्टर लिस्ट बोली थी अगर कल आपने वो होमवर्क में नहीं क्रिएट की है तो आज वो चैप्टर लिस्ट आपको कम से कम तीन बार लिखनी पड़ेगी गलती की है गलती की पेनल्टी है वही सेम चैप्टर लिस्ट कल लिखते थे एक ही बार बार लिखनी लिखनी पड़ती थी पर आज तुमको तुमको चैप्टर लिस्ट कम से कम से पड़ेगी और ये तुमको मुझे नहीं दिखानी है मैं कौन होता हूं ना मैंने इस बार तुमसे कुछ फ्री लेक्चर्स के लिए फीस लिया है मैं तो सिर्फ मेरी तरफ से जितना हो सकता है वो कर रहा हूं तुमने ये तीन बार चैप्टर लिस्ट लिख के मेरे को नहीं दिखानी है किसको दिखानी है मॉम या डैड या घर पर बड़ा भाई या बहन है उनको जाके दिखाओ कि कल मैंने होमवर्क नहीं किया था पर आज मैं होमवर्क कर रहा हूं मम्मी पापा ये तीन बार मैंने पेनोल्टी के तौर पर लिखा है उनको ये चैप्टर लिस्ट दिखाओ उनको भी खुशी होगी उनको बहुत खुशी होगी कि भाई ये बंदा आके मेरे को खुद बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं ये मेरा चैप्टर देखो ये सर ने पेनॉल्टी दिया था वो बहुत खुश होंगे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेना कभी उनको यकीन नहीं होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा भी कर सकते हैं करके देखो करके देखो कितना खुशी उनके चेहरे पे आएगा तुमने एक बार उनको यकीन ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ तो ऑल अगर ऐसा आप कुछ करके उनको दिखाओगे बोलना कल सर ने होमवर्क दिया था मेरी गलती हो गई बोलना कि मैं इस होमवर्क को नहीं कर पाया पर मैं चाहता हूं कि मैं इसके बाद में गलती ना करूं इसलिए पेनाल्टी के तौर पर मैं इसको तीन बार लिख के लाया हूं या आप देखना बोलना ये सभी चीजें मुझे याद है जब आप उनको दिखाओगे ना तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद के बेटे या बेटी पे और वो तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे ठीक है ये चीज को जरूर करना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है हाँ जिन्होंने किया है वो तो और भी करे तो और भी अच्छा है उनके लिए तो मैं खुशी हूं उनके लिए तो पहले से ही खुश हूं कि बहुत बढ़िया अगर तुमने होमवर्क किया है लेकिन जिन्होंने नहीं किया सेम लिस्ट तीन बार लिखनी है मॉम डैड को दिखानी है कि कल नहीं लिखी थी आज की यह पेनॉल्टी है पर इसके बाद में मैं होमवर्क करूंगा आप इतना भी कर दो ना बेटा उनके लिए करो मेरे लिए नहीं किया चल जाएगा मैं टीचर हूं मैं तो पागल हूं जिंदगी के अंदर पर उनके लिए करो बहुत जरूरी है और उनको दिखाओ उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा उनको समझ में आएगा कि मेरा बेटा या बेटी सही ट्रैक पे जा रहे है, जिस चीज के लिए वो लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे, है। उस ट्रैक के तुम चल रहे हो ये समझना भी बहुत बड़ा जब मैं मेरे बेटे को कुछ सिखाता हूं ट्रेंड करता हूं छोटा है वो एकदम उसको कुछ नहीं समझता बट मैं उसको कई बार मैं अभी उसको कल, कल की ही बात है तो तीन दिन लग गए उसको सिखाने के लिए फिज़ बम कि फिज़ बम क्या होता है फिर उसको मैंने फिज़ बम सिखाया फिर ज़ु 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 सिखाया तो ऐसी छोटी-छोटी चीजें मैं उसको सिखा रहा था पर जब वो करता है ना उसका खुशी ही अलग होता है बहुत अलग खुशी होता है जब तीन दिन बाद उसने फर्स्ट टाइम खुद होके फिज़ बम दिया ना आई वाज वेरी हैप्पी कि ये बहुत जबरदस्त चीज उसने मेरे को करके दिखाई है इतनी सी चीज़ है ये तुमने तुम्हारे मॉम डैड को करके दिखानी अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है खुद खुद के पेनॉल्टी के तौर पे तीन बार लिखो और मॉम डैड को जाकर दिखाओ कि मॉम डैड मेरे से गलती हुई आज मैंने पेनॉल्टी उनको समझ में आएगा उन्होंने ही तुमको बचपन में जैसे मैंने मेरे बेटे को तीन दिन तक के कोई छोटी सी चीज सिखाई है उन्होंने तुमको सालों सालों तक के सिखाई है तो ये करना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया ना दिस इज वेरी रिक्वायर्ड क्योंकि वो आदमी वहां छुट्टी नहीं ले रहे बेटा मैं, एक एक चीज मैं आपको सेंटी नहीं मार रहा पर मेरे को एक चीज समझ में आती है कोई अगर दो तीन लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो है, वो अगर वहां पर खुद का काम नहीं भूल रहे कभी तुमने देखा है ऐसा जब तक तुम्हारी माँ बीमार नहीं है कभी देखा कि टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं हुआ खाना नहीं हुआ या नाश्ता नहीं हुआ कभी घर पे मेहमान आए तो उनके लिए कुछ बता बना नहीं ऐसा कभी देखा तुमने बिल्कुल नहीं देखा कभी मुश्किल से ही आपने ये चीज देखी होगी क्लियर है तो अगर वो लोग वहां पे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हारे तुम्हें होमवर्क ना करने का राइट दिया किसने टीचर ने बोला है होमवर्क करना है टीचर को मालूम है तुम्हारे लिए भरने के लिए जरूरी है उनको मालूम है तुम्हारे जीने के लिए क्या जरूरी है मुझे मालूम है तुम्हारे सक्सेस के लिए क्या जरूरी है उनको मालूम है तुम्हारे जीने के लिए क्या जरूरी है हम तीन लोग मिलकर संभाल लेंगे सिर्फ हमारी सुनना जरूरी है दिस इज द only ओनली थिंग यू to टू डू हाँ कल टाइम पास किया होगा नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होंगे मेरी उससे कोई दिक्कत नहीं है तुम होमवर्क करो तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही रिजल्ट नहीं आया आई टोटली अंडरस्टैंड कि रिजल्ट आने तक के सर हम सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे मत करो पर जितना होमवर्क दे रहा हो उतना तो करो बाकी टाइम पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लो इधर की सीरीज देख लो इधर की सीरीज देख लो बट होमवर्क इज मस्ट ये चीज वापस ना हो जितने लोगों ने अगर नहीं किया है होमवर्क इट इज माई रिक्वेस्ट मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मेरे अगर फेस टू फेस बैच में आज तुम रहते थे ना कभी फेस टू फेस बैच के बच्चों को एक्सपीरियंस पूछना फर्स्ट होमवर्क दिया दूसरे दिन अगर तुम करके नहीं आए क्लास के अंदर साढ़े चार सौ बच्चों से बच्चे थे 300 ने होमवर्क नहीं किया 300 के 300 के 300 क्लास के क्लास बाहर रहते थे में एक को भी अंदर ना बैठने दू मैं एक पूरा घंटा सिर्फ होमवर्क चेक करने पर लगा दू अगर दो घंटे की बैच हो तो अभी तुम मेरे फेस टू फेस बैच में नहीं हो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फेस टू फेस में मेरे जो स्टूडेंट है ना उनको कभी पूछ के देखना कि दर्शन सर किस लेवल पे होमवर्क चेक करते हैं करके ठीक है तो ये चीज तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना आज अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है तो उन लोगों के लिए, जो तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं उनके लिए थकना है ये एक ही जिंदगी में टास्क है जो तुमको ठीक से करना है और उनको टै उनको बताओ कि ये तीन बार लिखा है मेरी आज की पेनोल्टी खत्म हुई दर्शन सर ने बोला था बोलना कि भैया मैंने होमवर्क नहीं किया मेरे को डैड को दिखाना है अगर अब इस पॉइंट पे अगर फिर भी तुम होमवर्क नहीं करते हो और पेनल्टी नहीं मानते और तुम तुम्हारे मॉम डैड को भी ये नहीं दिखाते हो तो आई हैव सीरियस डाउट लेवल का लॉयल्टी तुम रखते हो तुम्हारी फैमिली के साथ आई है डोंट स्पॉइल दिस मैं आपको बोलना चाहूंगा डोंट स्पॉइल दिस जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया ठीक है ट्रस्ट खोना गया फिर उसके लिए कुछ रीजनिंग नहीं हो सकता ठीक है सो डोंट स्पॉइल दिस चुपचाप आज होमवर्क करना कल का भी जितना मैंने दिया है वो भी करना और आज का जितना दिया है वो भी करना क्लियर है कंसेप्ट सबको है ना ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कंसेप्ट में आ रहा है सबको हाँ है ना सिर्फ इतना याद रखना कि अगर वो लोग वहां पे छुट्टी नहीं ले रहे तो हमें कोई हक नहीं बनता हम इससे छुट्टी ले फिर भी आपको हम संडे को छुट्टी देते हैं ठीक है ठेके? तो हमें कोई हक नहीं बनता हम इससे छुट्टी ले ये चीज को कृपया याद रखना क्लियर है कंसेप्ट चलो फटाफट इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं आई होप सो अच्छा कुछ क्वेरीज है वो मैं पहले सॉल्व करूं बाय करू बायस इंटर लॉ बुक्स विल बी अवेलेबल पांच तारीख से हम शिपमेंट शुरू कर रहे हैं कुछ अपडेशन के वजह से मुझे बुक होल्ड करके रखनी पड़ रही थी पर पांच तारीख से नियरली हम शिपमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद में ये आपको नियरली 10 से 12 तारीख के आसपास हो सकता है आपके लोकेशंस के ऊपर डिपेंडिंग पिन कोड के ऊपर डिपेंडिंग आपको मिल जाएगी पर अगले पांच सात लेक्चर आपको बुक की जरूरत नहीं है मैं सब चीजें इसलिए मैं ऐसे ही लेक्चर सेलेक्ट किया है कि अगले पांच सात दिन आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आप रजिस्टर में जितना लिख रहे हो उतना भी आप रिवाइज करो काफी हो जाएगा बेटा तो जिनका यह सवाल है सौम्या का सौम्या बेटा एक ही बार सवाल पूछ लिया मेरे को दिख जाएगा बेटा तो इतना फ्लड करने की जरूरत नहीं है स्पैम करने की ठीक है या तो फिर मेरे को स्लो मो टाइमिंग बढ़ा देने पड़ेंगे ठीक है चलो सो गुड मॉर्निंग शीत गुड मॉर्निंग करण जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है पहले तो मुझे एक सॉरी वाला मैसेज चाहिए यहां पे अगर तुम यहां सॉरी वाला मैसेज लिख रहे हो तो मैं मान सकता हूं तो पहली चीज, पहली चीज, की।, की गलती एक्सेप्ट करना जिस गलती में मैं जिस पोजीशन में मैं उसको करना। ये को आपने याद रखना अगर आप जिंदगी भर मुझसे आप लॉयल नहीं हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अपने मॉम डैड से और उससे भी ज्यादा खुद से आपने लॉयल होना चाहिए अगर आप आज आपने होमवर्क नहीं किया है और उस सिचुएशन में भी आप यह मान रहे हो कि आप बहुत भारी हो तो आप भारी नहीं हो आप बिल्कुल भी भारी नहीं हो या आपसे गलती हुई है जिस बंदे ने आज कल होमवर्क मैंने दिया था और उसने किया वो ऑलरेडी एक स्टेप आपके आगे है सर मैं क्या फिर मैं जिंदगी में आगे दो चार स्टेप और भाग्य कर लूंगा नहीं होता ये फालतू के नखरे और फालतू के रीजनिंग खुद को देना बंद करो जो आदमी खुद के साथ लॉयल नहीं है वो आदमी किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता तो अगर आपको ये चाहिए खुद के साथ प्रामिक पढ़ा चाहिए तो अभी मेरे को ये चाहिए कि सॉरी लिखिए जिन जिन्होंने होमवर्क नहीं किया एटलीस्ट मैं समझ जाऊंगा कि जितने लोग सॉरी लिख रहे हैं वो एटलीस्ट खुद के साथ लॉयल है वो आज अपना होमवर्क करेंगे और अपने मॉम डैड को दिखाएंगे मेरी गुस्से की कोई बात नहीं है मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं यूट्यूब पर ले रहा हूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो पर मेरी जान थोड़ी जलती है क्योंकि यहां पर मैं मेहनत कर रहा हूं और आपकी भी जान जलनी चाहिए क्योंकि वहां पर वो दो लोग मेहनत कर रहे हैं ये चीज को अपने ताकत से याद रखना जितने भी लोगों ने होमवर्क नहीं किया चुपचाप सॉरी के चले जाओ साठ बासठ लोग हैं। पॉसिबिलिटी मेरा जितना अंदाजा है मैं आपको सही बोलता जितने क्लासेस मैंने लिए हैं, लोग ऐसे होंगे। जिन्होंने होमवर्क किया होगा, से लोगों ने कम, कम से कम होमवर्क नहीं किया होगा। हो जाएगा बाकी जो सॉरी नहीं लिखना चाहते या जो खुद से प्रामाणिक नहीं है God bless you. मेरे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल लेकिन जब तक आप खुद से लॉयल नहीं हो पाओगे तब तक इन लेक्चर्स का से ध्यान चलो कोई बात नहीं जितने लोगों ने भी सॉरी लिखा है ठीक है मंजीत किरण कोई दिक्कत नहीं राहुल हितेश ज्ञानेश्वर रवि उसके बाद में आरुषि किरण रंजीत आदर्श शुभजीत जीतू प्रद्युम्न और सत्यम जितने लोगों ने सॉरी लिखा ताहा जीतू अनुजा जितने लोगों ने सॉरी लिखा आई एम प्राउड ऑफ यू एटलीस्ट आप पहली स्टेप ले चुके हो खुद के सक्सेस के लिए दैट इज तुम खुद से बहुत ज्यादा लॉयल हो ठीक है ये बहुत अच्छी बात है जितने लोगों ने सॉरी लिखा पब्लिकली ये लिखना आसान बात नहीं होती तो अगर आपने सॉरी लिखा है तो आई होप सो कि आज आप आपका होमवर्क करोगे पेनोल्टी करोगे कंप्लीट और आप आपके मॉम डैड को दिखाओगे ठीक है दिस दिस इज इज होप बेस्ट और इसके बाद ये चीज अवॉइड करना अनलेस एंटल स्पेसिफिक रीजन घर पे ही कोई इशू है भाई बहन मॉम डैड का ही इशू है तो मैं आपको कंपल्सन नहीं कर रहा पर जब आपको समय है बाकी सब चीज छोड़ के होमवर्क करना जरूरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जिन्होंने एक्चुअली इस चीज को एक्सेप्ट किया है मुकुल हो गया अनुजा हो गई ठीक है सो इट्स नॉट ए इशू चलो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया जिन्होंने लिखा है ओके okay, कुछ क्वेरीज़ है मैं उसको कर दू। और ये भी मुझे भी नहीं दिखाना है। सिर्फ mom, को दिखा रहा है दूसरी बात जीतू ने सवाल पूछा है सर आई एम सींग वीडियो आई रिक्वायर योर बुक कैन आई बाय ऑनलाइन बुक्स बेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए आपको कोर्स ही परचेस करना पड़ेगा तभी जाके आपको लेक्चर्स मिलेंगे जीतू आ, चलो हो गया ये क्वेरी सॉल्व स्टार्ट करते हैं करना अच्छे तरीके से कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल हमने देखा था कोई भी लॉ शुरू करने के पहले चार चीजें आपको पता होना जरूरी है फटाफट -फड़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है सबने कौन सी ऐसी चार चीजें जरूरी है कोई भी लॉ पढ़ने के पहले कौन सी चार चीजें जरूरी है मुझे कमेंट्स के अंदर ये चारों चीजों का पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए सबसे पहले हमें कमेंट्स के अंदर क्या चाहिए हिस्ट्री जोर से बोलो हिस्ट्री बहुत बढ़िया दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तीसरा ऑरिटी स्ट्रक्चर और चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर ये चार में से हिस्ट्री छोड़ के बाकी तीन चीजें कल हमने कंप्लीट की थी अगर आपको याद होगा तो क्लियर है अब हिस्ट्री जो चीज है वो तो हम पेंडिंग रख रहे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मुझे एंट्री नंबर बताइए फटाफट कमेंट के अंदर कि कौन से एंट्री नंबर के अंदर हम कंपनीज एक्ट को क्रिएट करते हैं वो इज द एंट्री नंबर जिसके अंदर कंपनीज एक्ट क्रिएट होता है बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने लिखा है 43 एंट्री नंबर 44 शानदार उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बाद अथॉरिटी स्ट्रक्चर अथॉरिटी स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन था एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दूसरे साइड जुडिशियल को इंप्लीमेंट करने के लिए जुडिशियल और झगड़ों को सोल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में भी दो पार्ट थे एक्टिव कंपनी के लिए अलग डॉर्मेंट लिक्विड कंपनी के लिए अलग एक्टिव कंपनी जो थी उसके अंदर नीचे रीजनल डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर के नीचे आरओसी कमेंस के अंदर मुझे चाहिए शानदार बच्चों कमेंस अंदर मुझे चाहिए रीजनल डायरेक्टर इंडिया में कितने आरोसी इंडिया में कितने दोनों के नंबर मुझे यहां पर लिख के देने है, सबने फटाफट फटाफट लिखिएगा जबरदस्त जिंदाबाद तूफान जितने भी लोगों ने लिखा है सात रीजनल डायरेक्टर और बाईस आरोसी खतरनाथ ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए कल हमने पूरी लिस्ट देखी थी दूसरे साइड आता है लिक्वेटर लिक्वेटर का नंबर है वेरिएबल क्योंकि लिक्वेटर कौन बन सकता है हम लोग शीये, शीये, शीये में जिसके लिए हमको आईबीसी का एग्जाम देना पड़ता है 2016 का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए कल मैंने आपको एक मस्त करियर ऑप्शन बताया था क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनी बनती है उससे ज्यादा थ्री टाइम्स मिटती जाती है क्लियर दिस इज ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन टू फान जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं जबरदस्त बेटा ये चीज होने के बाद में दूसरी जगह पे डैडी हमने देखा था जुडिशियल अथॉरिटी जुडिशियल अथॉरिटी में कौन कौन कमेंट्स के अंदर

एनसीएलैट वगैरह जितने भी लोगों ने कहा क्या बात है सभी जसन, जन सही आंसर दे रहे मैं खुश हो गया मो ग खुश हो गया क्लियर है यह चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे अगली चीज जो हमने देखी थी दैट इज चैप्टर स्ट्रक्चर चैप्टर स्ट्रक्चर को मैंने बेसिक तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था पहला कैटेगरी कंपनी को बनाना दूसरा कैटेगरी कंपनी को चलाना और तीसरा कैटेगरी है कंपनी के अकाउंट्स वगैरह को देखना चेक करना अच्छे से ठीक है सो एक बार एक्शंस के साथ में फटाफट फटाफट सब लोग बोलेंगे बनाना बुलाना लगाना बनाते क्या है कंपनी इनकॉर्पोरेशन बुलाते क्या है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर लगाना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हम कैपिटल लगाते हैं ठीक है डालना हम क्या डालते हैं डिपॉजिट चार्ज करना चार्जेस ऑन असेट मैनेज manage करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर काटना हम क्या काटते हैं डिविडेंड उसके मारना क्या मारते हैं जर्नल एंट्री मारते हैं और उसके एंड में चेक करना दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इनके हिसाब से मैंने आपको सेक्शन नंबर्स बोले थे टिन 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 टारा थ्री ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री थ्री सेवन एटी एट बारह किशो की, की तीन टिकटें है एक सौ तेईस नंबर का सेक्शन एक सौ अट्ठाईस में दिला वन ट्वेंटी एट से लेके वन थर्टी एट समझना मुझको ऐसा वैसा, वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना पैसा है वन थर्टी नाइन समझ में आ रहा है सबको हाँ ना कल हमने ये चीज को कंप्लीट किया था आपने कल एक चैप्टर लिस्ट अच्छे से क्रिएट किया होगा मैं आपके सहूलियत के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चैप्टर लिस्ट मैं खुद बना के दिखाऊं कि किस तरीके से बनाई जाती है अगर इसमें और आपके चैप्टर लिस्ट में कोई डिफरेंसेस है तो प्लीज वो करेक्शन थोड़े बहुत कर लेना आ जाइए फटाफट फटाफट मैं आपको चैप्टर लिस्ट बना के दिखा दू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऋषिता चलो बहुत बढ़िया भी लिख रहे हैं। जबरदस्त बेटा जबरदस्त जितने लोगों ने सेक्शन लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया ये मोहित कौन है किसने स्पैम किया जिंदगी में ओके जबरदस्त आ जाइए मैं आपको एक बार चैप्टर लिस्ट दिखवा के दिखा दू लॉ ओके okay. एक बार मैं खुद चैप्टर लिस्ट ड्रॉ करता हूं ये आपके लिए जरूरी है इसलिए मैं चैप्टर लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए किस तरीके से चैप्टर लिस्ट बनाई जाती है अगर आपने ऐसे नहीं बनाई है तो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आपने बनानी चाहिए ठीक है मतलब आपका चेकिंग और करेक्शन भी हो जाएगा चलो थैंक यू सो मच आ जाइए फटाफट शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल रेडी लेट्स गो सो हम बात कर रहे हैं चैप्टर लिस्ट की कमेंट्स करना बंद कीजिए और बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा मैं कमेंट्स को आराम से पढ़ूंगा एक बार चैप्टर लिस्ट बन जाती है उसके बाद सबसे पहला है आपका सीरियल नंबर जो मैंने आपको बोला था फिर नेम ऑफ द चैप्टर फिर स्टार्टिंग सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन आप इसको दो अलग कॉलम में भी लिख सकते हो आप इसको एक सिंगल कॉलम में भी लिख सकते हो डैश करके मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं डैश करके एक सिंगल कॉलम में लिखना जिससे चीजें थोड़ी सी आसान होती है आगे रेफरेंस के लिए काम में आती है अगर आपने इसको दो डिफरेंट कॉलम में लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बात है आप आपके हिसाब से चैप्टर लिस्ट बनाए हो वही बनाए हो वही वही बहुत बड़ी बात है पहले छह लेक्चर्स के अंदर कोई भी किसी भी क्लासेस के अंदर चैप्टर लिस्ट नहीं बनाता वो भी इतनी याद करके तो आपने जो कर रहे हो वो ऑलरेडी आप काफी अच्छा कर रहे हो रेडी लेट्स गो So, अब मैं सबसे पहला चैप्टर लूंगा चैप्टर नंबर वन ठीक है नेम ऑफ द चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर स्पेलिंग्स को थोड़ा सा क्योंकि अपने ठीक है सो so, प्रिलिमिनरी पहला चैप्टर है और चैप्टर हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं होगा जो जोश में आके से शुरू किया होगा टेन, टिना टेन। नाम का भी चैप्टर है जिसका स्टार्टिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर वन और एंडिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर टू क्योंकि कौन सेक्शन में आती है सेक्शन नंबर टू में एक लाइन का मैंने गैप छोड़ा बकायदा फिर मैंने लिखा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैं पूरे नाम लिख रहा हूं अगर आपने एक एक वर्ड में भी नाम लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे फॉर्मेशन एंड आपने एक एक वर्ड में लिखा होगा तो भी दिक्कत नहीं है इतना भी लिखा तो भी काफी है एक वर्ड में भी लिखा तो भी काफी है नाम याद हो जाएंगे दैट्स नॉट ए इशू फिर उसको मैंने लिखा सेक्शन थ्री से लेके सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू तीसरा चैप्टर मैंने लिखना है दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन्विटेशन वाला Prospectus and allotment of shares. देखो बाकायदा दिखते वक्त भी अच्छा लगना चाहिए ऐसा लिखना कि कम से कम पांच दस बार पचास बार पढ़ने की इच्छा हो इसके बाद एक ही बार लिखना है लेकिन पचास बार पढ़ने की इच्छा हो ऐसे लिखना है उसके अंदर सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री से लेकर सेक्शन नंबर फोर्टी टू मेरी तो हैंडराइटिंग अच्छी भी नहीं है फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे से लिख रहा हूं फिर उसके बाद में चौथा चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ज सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72 बहुत बढ़िया अगर आपने ऐसा लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है चैप्टर नंबर फाइव डिपोजिट जिसका एक और नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट फ्रॉम पब्लिक लेकिन मैं इसको नॉर्मली डिपॉजिट करके ही बोलता हूं जो है सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर सेवेंटी चैप्टर नंबर सिक्स चार्जेस ऑन अ जो है सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन से लेके सेक्शन नंबर एटी सेवन फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर सेवन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122, अगला चैप्टर है एट्थ चैप्टर दैट इज डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट जो है सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 127 तक के अगला चैप्टर है नाइन्थ चैप्टर दैट इज अकाउंट जिसका नाम एक और नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह लेकिन मैं अकाउंट से प्रेफर करता हूं 128 से लेके 138, एंड टेंथ चैप्टर है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ट इज सेक्शन नंबर 138 से लेके सेक्शन नंबर 148 ये है आपका चैप्टर लिस्ट अब देखो मेरी हैंड राइटिंग खराब है सब सही है पर चैप्टर इतना अच्छे से लिखा है कि कम से कम इसको इसके बाद में दस बार भी पढ़ू ना तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन ना आवे क्लियर जो भी कर रहे हो क्लीन वर्क करना आपकी हैंडराइटिंग कितनी गंदी हो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो तो आप बहुत जल्दी सीए बन जाओगे हाँ जिनके अच्छे हो उससे भी जल्दी बन जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं पर जो भी वर्क करो क्लीन करो अब जैसे लाइन से नंबर दिया है मैंने तो कोई लाइन वाइन भी नहीं मारी पर फिर भी देखो लिस्ट दिखने में अच्छी दिखती है क्लियर है कंसेप्ट दिस इज हाउ यू शुड राइट इट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना तो ये हमने सेक्शन लिख के रखे वन थर्टी नाइन से माई मिस्टेक से लेके वन फोर्टी एट

उसके बाद में काटना मारना और चेक करना बराबर है इस तरीके से आपने याद की हो सकता है कल आपने जब लिखा होगा तो पहले सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे सबके सब और फिर उसके बाद में आपने शुरू किया होगा टिन टिना टिन 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 टारा सेवन टी सेवन एटी एट बारह की शो की तीन टिकटें एक तो अट्ठाइस में दिलाओ मेरे बटवे में है पैसा एक सौ उनचालीस बराबर है वन थर्टी नाइन हो सकता है आपने कल ऐसा लिखा होगा कि पहले सब नाम लिख लिए होंगे और फिर सब सेक्शन लिखे होंगे कोई दिक्कत नहीं दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत सही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने ऐसा किया होगा तो ये बहुत सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं आपने ऐसा करना भी चाहिए पर एक छोटा सा में देना चाहूंगा। एक छोटा छोटा सा सा मैं यहां देना चाहूंगा आपके समझने के लिए आपके सूझबूझ के लिए मुझे एक बात बताओ कभी अगर आप किसी रस्ते से जा रहे हो ठीक है कभी किसी रस्ते से जाना है गांव में जाना है और गांव में जाते जाते समझो ये रास्ता है ठीक है दे इज अ रोड और ये रोड से जाते जाते बीच में समझो रोड खत्म हो जाता है और एक नदी लग जाती है एक नदी एक रिवर लग गई बीच में ठीक है और वापस दूसरे साइड समझो रोड है अब मुझे एक बात बताओ जब बीच में नदी लगती है तो आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा एक तो तैर के कर सकते हो नहीं तो बोट में कर सकते हो समझो नदी बहुत डीप है बहुत लंबी और पानी भी बहुत बेकार है बहुत फोर्स से आ रहा है तो आपको नदी के इस साइड पे लेट्स से एक आपको बोट मिल गई नाव मिल गई खाली नाव पड़ी थी बोट में कोई नहीं था तो पानी के इस साइड आपको एक बोट मिल गई आप इस बोट के ऊपर चढ़ गए लेट्स एक एग्जांपल आप इस बोट के ऊपर चढ़ गए और फिर ये बोट आपने यहां से लेके यहां तक लेके गए पानी को रोकते हुए बहाव को रोकते हुए फोर्स को रोकते हुए थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में उसको तैरा वैरा के कैसे तो भी करके आप बोट लेके आए दूसरे साइड और दूसरे साइड आपने ये बोट को पार्क कर दिया ठीक है दूसरे साइड आप बोट लेके आ गए अब मुझे एक बात बताओ आगे रास्ता है आगे रास्ता है आगे रास्ते पर आपको चलना है बराबर है मुझे एक बात बताओ नदी पार करने के लिए बोट का यूज कर लिया दूसरे साइड बोट ने आपको लाके छोड़ दिया अब क्या आगे अगर रास्ता है आगे कोई नदी नहीं है तो क्या बोट को सिर पे लेके घूमोगे नहीं भाई बोट ने मेरे को नाव ये बोट ने मेरे को नदी पार करवाई है इस बोट के खिलाफ का ग्रेटिट्यूड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो ये बोट जिंदगी भर अब मेरे साथ रहेगी तो तुमने बोट उठाई सिर पर और तुम रस्ते से चले जा रहे हो क्या ये करोगे अगर आगे पूरा रास्ता है कोई नदी नहीं है कोई पानी नहीं है हाँ बोट का काम था कि बोट ने यहां से लेके यहां तक तुम्हें छोड़ना था तो बोट ने तुम्हें यहां से लेकर यहां तक छोड़ दिया बोट का काम हो गया अब के कोई नदी नहीं है कोई पानी नहीं है पानी का पीने के लिए भी पानी नहीं है समझो आगे तो तुम क्या करोगे बोट को उठाओगे सिर सिर्फ लेके जाओगे कि बोट ने मेरे को यहां तक लाया था ऐसा करोगे सिंपल सी बात में कहना क्या चाहता हूं टिन 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 टिना कल ही जो मैंने चीज पढ़ाई थी ऐसा पहली बार तुमको जिंदगी में टीचर मिल रहा होगा जो खुद ही चीज पढ़ाता है और दूसरे दिन उसको खुद ही मिटाने की कोशिश करता है कल ही मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी टिन टिना टिन, टिन टिन टारा लगाना बुलाना लगाना मारना डालना चार्ज करना जो भी मैंने पढ़ाया था ये जितना भी टेक्निक मैं आपको पढ़ा रहा हूं टिन टिना टिन, टिन टिन टारा इस इस दिस इज अ टेक्निक दिस इज अ साधन साधन का काम होता है किसी भी चीज को फिट करना साधन सिर पर लेके नहीं घुमा करते दिस इज अ टेक्निक टिन टिना टिन टिन टारा टेक्निक है बनाना बुलाना लगाना डालना चार्ज करना मारना यह सब टेक्निक है यह बोट है बेटा ये बोट है इस चीज को आप समझ जाओ ये बोट है ये टेक्निक आपको नदी पार करने के लिए जरूरी थी नदी क्या थी कि हमें यह चीज याद नहीं रह सकती थी पानी का बहाव बहुत ज्यादा था फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा था पर हम तैरके नहीं जा सकते थे तो अगर तैरके नहीं जा सकते तो मैंने क्या कर दिया मैंने टेक्निक बना के आपके लिए एक बोट बना दी

ये चीज को याद रखना कल मैंने ही पढ़ाया था मेरे को मालूम है मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के अंदर भी इसको भूलना नहीं है पर मरने के बाद जलने के बाद कबर के अंदर ये चैप्टर लिस्ट को नहीं भूलना है टेक्निक भले ही आप भूल जाओ बोट को आप वहीं छोड़ दो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पर ये चैप्टर लिस्ट को आपको नहीं भूलना है अगर एग्जाम में किसी ने आपको सवाल पूछा तो आप क्या करते बैठोगे टिन 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 ति टारा ये करते बैठोगे एग्जाम में या बनाना वो शुरू मतलब एग्जाम यहां पे सब बच्चे पेपर लिख रहे हैं। और तुम बनाना बुलाना लगाना डालना ये करते बैठोगे जिंदगी में आजू आजू वाले देखेंगे बोलेंगे क्या कर रहा है चलो चल आजू बाजू वालों को छोड़ो तुम्हारा तो समय वेस्ट हो रहा है ना बच्चों तुम तो समय वेस्ट कर जाओगे अगर तुम पूरी टेक्निक से जाओगे तो मैंने तुमको बोट दे दी अब बोट के हिसाब से तुमने पानी का जो फोर्स था ना वो बहाव भी अपन ने फेस कर लिया पानी के खिलाफ बहाव में हम चला के पूरी नदी हमने पार कर ली अब हम नदी के उस साइड पहुंच चुके हैं चैप्टर लिस्ट तुमने खुद ने बनाई है तो अब इस बोट को सिर पर नहीं उठा के लेके जाने की जरूरत अब तुमने इसके बाद में यह ट्राई करना है टेक्निक तो है बोट तो है पर अभी यह ट्राई करना है कि यह चैप्टर की लिस्ट आपको ऐसी की ऐसी ही याद हो जाए आपको टेक्निक की जरूरत ना पड़े हां एंटर करने के लिए नदी पार करने के लिए, के लिए का काफी था पर रास्ता बहुत लंबा है पूरे रास्ते में नदी नहीं है चलना भी है तो आपको यह चैप्टर जैसे के वैसे भी याद होने चाहिए बोट का काम हो गया मैंने बना के दे दी कल मैंने जो पढ़ाया था मैं खुद बोल रहा हूं कि कुछ दिनों बाद आपको टेक्निक अभी नहीं भूलनी है पर कुछ दिनों में आपको टेक्निक भूलना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ ये चीज है ये चीज को याद रखना ऐसा हम कई बार करेंगे हमारे पूरे सिलेबस में अगर आप टेक्निक के भरोसे पर रह जाओगे ना तो आप समय वेस्ट कर जाओगे एग्जाम समय पे। आप बैठे जाओगे फिर आपको तो क्या करना पड़ेगा वो बनाना बुलाना लगाना डालना चार्ज करना बैनेज करना और टिन टिन टिन, 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 टिन टारा के हिसाब से पहले तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा उस चार्ट के हिसाब से मतलब चैप्टर बनानी पड़ेगी उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा किसने बोला इतना समय गवाने के लिए तो अभी अपन ने बना लिया अब यहां से अपना ट्राई ये होना चाहिए कि ये चैप्टर लिस्ट बिना टेक्निक के भी याद आ जाए कि भैया फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक है तो तीन से लेके बाईस भैया प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट कहां से कहां तक है तो भैया तेईस से लेके बयालीस हां चाहिए भैया शेयर कैपिटल डिवेंचर फोर्टी से लेके सेवेंटी ऐसा आपने याद रखना चाहिए टेक्निक आप यूज कर रहे हो फिलहाल ठीक है पर कुछ दिनों में ये बोट छोड़नी है बोट को सिर पे लेके नहीं घूमना है रस्ते पे लोग पागल बोलेंगे समय जाया जाएगा एनर्जी जाया जाएगी तुमको बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार टेक्निक ही याद नहीं आ रही तो आप चैप्टर कैसे याद आएंगे क्योंकि टेक्निक के ऊपर डिपेंड है चैप्टर टेक्निक एक दिन दो दिन दस दिन बस उससे ज्यादा नहीं ठीक है मेन कंटेंट है ये ये चीज को आपने याद रखना मैं क्या कह रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए प्लीज कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है किधर चले गए कि मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों चलो बहुत बढ़िया अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज अपन एक छोटी सी पहल करते हैं आज ही थोड़ा समय जाएगा थोड़ा समय जाएगा पर अपन एक छोटी सी पहल करते हैं अपन क्या करते हैं अपन ने सिर्फ अभी मैं आपको पांच या दस मिनट देता हूं बच्चों सीएमए वालों के लिए भी भैया ये सब सीए सीएमए तीनों के लिए अप्लीकेबल है मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूं सभी लोग मेरे लिए इक्वल है उसके हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं तो सीएमए वालों के लिए भी सेम है कंसेप्ट समझ में है तो अभी मैं आपको पांच या दस मिनट का समझ समय देता हूं किस बात के लिए

जब आपको कोई चीज याद करनी होती है ना नाइनटी परसेंट बच्चे यहां गलती कर जाते हैं याद करने का टेक्निक ही गलत है तुम्हारा ठीक है मैं आपको टेक्निक बोलता हूं याद कैसे करना चाहिए और यह टेक्निक आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो यह ऐसा टेक्निक नहीं है जो बोर्ड जैसा है यह गाड़ी जैसा टेक्निक है या बोर्ड जैसा या हेलीकॉप्टर जैसा कहीं पे भी यूज कर लो पर टेक्निक बहुत काम का है याद कैसे करना चाहिए सिपड़ी में हो सकता है तुमने कैसे भी याद किया होगा मेरे को उससे लेन नहीं पर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद कैसे करना चाहिए इसका टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं ठीक है बड़े अच्छे से ध्यान देना बड़े अच्छे से सुनना चाहते हो मुझे बताओ सुनना चाहते हो सुनना चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताओ कि आप सुनना चाहते हो अच्छा टेक्निक याद करने का बहुत सिंपल है मेहनत करना पड़ेगा ऐसा कोई मैजिक मंत्र नहीं है कि शाकाला का बूम बूम करके छोड़ दिया ना मैजिक मंत्र नहीं है पर याद करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जो मैं खुद फॉलो करता था और सीए बना जिसके भरोसे पे ठीक है चलो बहुत बढ़िया इफिशियंट वे में लर्निंग किस तरीके से करना है यह हमको देखना है याद करने का सबसे पहला टेक्निक किसी भी चीज को किसी भी चीज को एक बार पहले रीड करो वन रीड ठीक है एक बार रीड करना है वन टाइम रीडिंग मैं ठीक से इसको लिख दू स्टेप नंबर वन वन टाइम रीडिंग जितने लोग यस बोल रहे हैं शानदार वन टाइम रीडिंग स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्लोज योर आइज रिमेंबर आंखें बंद करो और रिमेंबर करो सर हम भी तो यही करते हैं ना 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 तुम ये ना करते हो तुम क्या करते हो पहली बार रीड करते हो ना रीड करते हो, अरे क्या, हो, गया? हाँ करते हो रे, रे, क्या हो गया अरे रीड करते हो क्या ना तीन चार बार रीड नहीं करना है एक ही बार दिमाग लगा के दिल लगा के तन मन धन से तन मन धन से एक ही बार रीड करना है उस रीडिंग में जितना हुआ उतना ठीक है तुम क्या करते हो एक चैप्टर का नाम पढ़ोगे सेक्शन वन से टू प्रिलिमिनरी रिपीट करोगे सेक्शन से टू ना पूरे एक लाइन में पढ़ना चैप्टर वन प्रिलिमिनरी वन से टू सेकंड चैप्टर फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन थ्री से ट्वेंटी टू थर्ड चैप्टर द प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर दैट इज ट्वेंटी थ्री से फोर्टी टू ऐसा पूरा दस चैप्टर रीड करना है फर्स्ट रीडिंग में फिर आंखें बंद करना और शुरू हो जाना चैप्टर वन और बोलना खुद के मुंह से बोलना मन के मन में मत बोलना एनर्जी लगाओ एक बार आपने याद रखना कोई भी चीज करने में आप जितने सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व करोगे जितने नंबर ऑफ सेंसेस जितनी बॉडी एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे उतने जल्दी वो चीज याद होगी क्लियर आंसर आप क्रिकेट खेलते हो कोई मैच बहुत अच्छी मैच आपने क्रिकेट की खेली आपको क्यों याद रहती है क्योंकि आप पूरा बॉडी उसमें एनर्जी वाइज बॉडी वाइज इमोशन वाइज उसमें एक्टिव होते हो पढ़ाई में भी करो एनर्जी वाइज बॉडी वाइज इमोशन वाइज उसमें एक्टिव हो जाओ एक बार पूरी लिस्ट पढ़ ली आंखें बन पूरी याद करना वन में भैया प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन इन कॉपोरेशन प्रिलिमिनरी वन से टू फॉर्मेशन कॉर्पोर थ्री सेपिटलचर ऐसे आंख बन करके याद करो ठीक है क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर पर सर हमको याद नहीं आएगा हम तो गजनी है गजनी को भी पंद्रह मिनट याद रहता है हमारा तो वो भी भरोसा नहीं है बराबर है ना गजनी को तो पंद्रह मिनट याद रहता है हमारा तो वो भी भरोसा नहीं है कि हमको तो याद रहेगा या नहीं मैं को मालूम है कि तुम गजनी हो मैं भी था ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है शेम टू शेम गजनी को पंद्रह मिनट याद रहता है हमारा तो उसका भी भरोसा नहीं है हम तो जन्मजात गजनी है हमको याद रखना बहुत मुश्किल है मैं मना ही नहीं कर रहा कि आपको याद नहीं रहे बिल्कुल याद नहीं रहेगा इसलिए स्टेप नंबर थ्री है दो थिंग्स विच यू फॉरगोट और दो थिंग्स विच आर गॉन रॉन्ग रोंग थिंग्स विच यू फॉरगोट और दो थिंग्स विच आर गॉन रॉन्ग मार्क देम फिर जो लिस्ट है इसमें से आप उसको मार्क करो जैसे मैंने समझो स्टेप नंबर वन कंप्लीट कर लिया पूरा लिस्ट पढ़ लिया स्टेप नंबर टू में मैंने पूरा याद करने का को कोशिश किया आंखें बंद करके प्रिलिमिनरी आ गया इनकॉर्पोरेशन आ गया शेयर कैपिटल आ गया चौथे चैप्टर में प्रोस्पेक्टस आ गया शेयर कैपिटल चौथा पांचवा चैप्टर मेरे को याद ही नहीं आ रहा मतलब डिपॉजिट डिपॉजिट का सेक्शन क्या है डिपॉजिट का सेक्शन क्या है याद नहीं आ रहा मैंने क्या करना है मैंने आंखें खोलनी है उसी वक्त आंखें खोलनी है जब मेरे को याद नहीं आ रहा उसी वक्त मैंने आंखें खोलनी है और डिपॉजिट को मैंने मार्क करके रखना है सेवनटी थ्री से लेकर सेवन अच्छा ये याद नहीं आया मेरे को यह याद नहीं है उसको पढ़ लो वहीं पे 73 से 76 डिपॉजिट चलो जो डिपॉजिट याद नहीं आ रहा था मैंने सिर्फ डिपॉजिट को पढ़ लिया वापस आखे बंद अगला याद करना शुरू आगे मैं याद करता रहा चार्जेस याद आ गया मैनेजमेंट याद आ गया डिविडेंड याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा डिविडेंड को मार्क करोफिट so, कर दी देखो गलत बोला हुआ तो चैप्टर के एंड में आपको याद आएगा या कहीं ना कहीं याद ही जाएगा क्योंकि पूरी चैप्टर लिस्ट लिंक है तो गलत बोला है या कुछ भूल गए हो उसको मार्क करो उसी टेबल में मार्क करो क्लियर है और फिर चौथी चीज सेकंड टाइम रीडिंग सेकंड टाइम रीडिंग में वही चीजें वापस से पढ़ो जो आपने मार्क किया है सर उतनी पढ़ो जो याद आ रहा है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है सेकंड टाइम रीडिंग में रीड ओनली दीज थिंग्स सिर्फ ये चीज को आपने रीड करना है उसके बाद में रिपीट द अबाउ प्रोसेस रिपीट स्टेप टू से लेके स्टेप फोर कैंसर समझ में आ रहा है पांच स्टेप का सिंपल इफिशियंट वे ऑफ लर्निंग वे ऑफ स्टेप नंबर वन पूरा रीड करो स्टेप नंबर टू आंखें बंद करके याद करो स्टेप नंबर थ्री जो गलत जा रहा है या भूल जा रहे हो उसको वहीं पे फटाफट मार्क कर लो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो स्टेप नंबर टू का आंखें बंद करके रिमेंबर कर स्टेप नंबर फोर जो गलत जा रहा है जा जो आपने मार्क करके रखा उसको वापस से रीड करो स्टेप नंबर फाइव दो से लेके तक पूरी प्रोसेस रिपीट करो अब स्टेप नंबर फाइव में दो से चार मतलब पूरा चैप्टर लिस्ट वापस से रिपीट करना है याद करना ऐसा आपको सिंपल टेक्निक फॉलो करना है अब इसके अंदर आप कैसे खुद के मेमोरी टेक्निक या मेमोरीज बनाते हो वो भी चलेगा जैसे आपने 323, 73 के हिसाब से कुछ बना लिया स्टार्टिंग जो भी आपको टेक्निक लगाना है कुछ मैच करके कुछ लिंक करके करो बिंदास पर ये पांच स्टेप आपको सिंपली फॉलो करना है और मेरे हिसाब से अगले पांच से दस मिनट में चैप्टर लिस्ट आपको याद होना चाहिए ठीक है चैप्टर लिस्ट आपने बनाई है जिसने नहीं बनाई वो प्लीज बना ले पहले तो फटाफट -फड़, जो मैंने कल टेक्निक दिया उसके हिसाब से फिर उसके बाद में चैप्टर लिस्ट को आपको याद करना है ये जो मैं आपको समय दे रहा हूं करने के लिए याद रखना अगले चालीस लेक्चर्स पूरे ये जो अगले दस मिनट आप करने वाले हो ये बहुत काम में आएगा ये मेरा वादा रहा आपसे ये दस मिनट में आप जो करोगे याद करने की कोशिश अगले चालीस पचास लेक्चर्स कंपनी लॉक जितने भी है उसके अंदर ये बहुत काम में आएंगे अगले दस मिनट जो ये चीज नहीं करेगा ऑन सीरियस लेवल मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं चाहता हूं एक सेक्शन आपके टंग पे रहे और कंटेंट के साथ रहे ये मैं चाहता हूं पर अगर आप अगले 10-15 मिनट को सीरियसली ले नहीं लेते हो और ये पांच स्टेप को सीरियसली फॉलो नहीं करते हो तो मुश्किल है आपको हेल्प करना क्लियर है प्लीज ये चीज को याद रखना ठीक है पांच स्टेप मैंने लिखे पहले तो ये पांच स्टेप इफिशियंट लर्निंग के फ्रंट पेज पे कहीं तो भी लिख के रखो एकदम फ्रंट पेज के कि इसी तरीके से मेरे को लर्निंग करना है थोड़ा समय लगेगा प्रोसेस में ढलने में हो सकता है तकलीफ हो पर दिस इज द बेस्ट वे टू तो डू इट क्लियर है तो पांच स्टेप लिख लो और फिर उसके बाद में आपकी चैप्टर लिस्ट बनी है तो उसको याद करना शुरू करो मैं आपको दे रहा हूं दस मिनट अभी बजे है आप सबके घड़ी में हम सब इंडिया में रहते हैं तो दस बज के सत्तावन या अट्ठावन मिनट हुए हैं क्लियर है आई गेट सो ग्यारह बज के दस मिनट तक के आपके पास समय है मुझे पूरी चैप्टर लिस्ट याद चाहिए ठीक है और वो भी चैप्टर का नाम स्टार्टिंग सेक्शन एंडिंग सेक्शन चैप्टर का नाम स्टार्टिंग सेक्शन एंडिंग सेक्शन एक स्ट्रोक में याद चाहिए एक स्ट्रोक में कि भैया फॉर्मेशन कॉपरेशन थ्री सेवेंटी टू प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ट्वेंटी थ्री से फोर्टी टू शेयर कैपिटल फोर्टी थ्री सेवेंटी टू यह एक स्ट्रोक में मुझे याद चाहिए क्लियर है दस मिनट दे रहा हूं ये दस मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग कंपनी लॉ ये चीज को याद रखना और उतनी ही ताकत से तन मन धन और एनर्जी लेवल पे मेहनत करना ठीक है मैं आपको दस मिनट दे रहा हूं भले मैं स्क्रीन पे रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं कुछ क्वेरीज यहां पे सॉल्व करते रहूंगा पर आपने आपका काम करते जाना है सब जन करोगे मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ ईमानदारी से करोगे या नहीं करोगे फटाफट कमेंट्स में बताओ मुझे चैप्टर लिस्ट खुद ने बनानी है मैं जूम ना करने वाला चैप्टर लिस्ट आपने कल का ही याद करके बनानी है जूम करके नहीं मिलने वाली आपको चैप्टर लिस्ट आपको सिर्फ रूल लिखने लिख लो चैप्टर लिस्ट खुद ने बनानी है कल के टेक्निक पर से फिर अभी याद करना है चलो बहुत बढ़िया जितने लोग यस बोल रहे हैं दस मिनट हुए आपके यहां से आपकी मेहनत होती है शुरू गो फॉर इट फास्ट फटाफट फड़ चैप्टर लिस्ट बनी है तो याद करो नहीं बनी तो बनाओ और याद करो पांच स्टेप पहले लिख लो गो फॉर इट फास्ट कुछ क्वेरीज है तो मैं सॉल्व कर दूं इज अ डेमो क्लास बेटा 10 से 15 लेक्चर्स डेमो है पर इसके बाद के सभी के सभी सीरियल कीज के ऊपर मिलेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा डाउनलोड लिंक में वहां पे ये 10 क्लासेस भी 10 से 15 क्लासेस भी ओपनली अवेलेबल रहेंगे डाउनलोड करने के लिए इफ यू विश सो और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे जीतू ने जो सवाल पूछा है मैंने उसको आंसर कर दिया बहुत बढ़िया ये डेमो नहीं है ये रेगुलर लेक्चर है बेटा सुप्रिया मतलब हम पहले चार पांच लेक्चर डेमो रखते थे इस बार हम पंद्रह लेक्चर्स ले रहे हैं पर ये डेमो नहीं है मेरा रेगुलर कोर्स कंटेंट शुरू हो चुका है दस मिनट में याद चाहिए बच्चों जितनी मेहनत या दस मिनट में करोगे इट विल डिसाइड योर नेक्स्ट फोर्टी टू फिफ्टी लेक्चर्स मार्क माइग्स बुक शिपमेंट कल परसों में निकल जाएगा कुछ अपडेशन थे बुक के इसलिए हमने रखे पर आपको अगले यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स आगे आने वाले पांच दस उसमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी सो टेंशन ना लो बेटा कुलदीप। रेस्ट लेक्चर जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड का लिंक आ जाएगा बेटा बेटा दस से पंद्रह लेक्चर ही ऑनलाइन रहेंगे उसके बाद अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं जीतू तो हम लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आएंगे पर मैं ज्यादा लेक्चर फिलहाल रिकॉर्ड करके रख रहा हूं सो इट विल हेल्प यू फीस आपको बेटा विस्मार अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर मिल जाएगा सुप्रिया वहां जाके प्लीज चेक कीजिएगा सुप्रिया वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर जाके आप एडमिशन ले सकते हो आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव परचेज कर सकते हो जो आपको सही लगता है और वहां से आपको फिर ऑर्डर रिसीट मिल जाएगी फिर नेक्स्ट क्लास जैसे भी होंगे हम उसको लास्ट यूट्यूब लेक्चर में डिफाइन करेंगे अगले दस लेक्चर हम यूट्यूब पे ही कवर करने वाले हैं तो अगले दस आपको यूट्यूब पे ही करने हैं सुप्रिया उसके बाद के लेक्चर्स वी विल डिफाइन मैं लास्ट यूट्यूब लेक्चर में बोलूंगा कि कैसे आप अगले लेक्चर्स कर सकते हो गुड मॉर्निंग अभिषेक टास्क कंप्लीट कीजिए सब जन और पहले तो चैप्टर लिस्ट फिनिश कीजिए जिन्होंने नहीं बनाया होमवर्क नहीं किया होगा कल इसलिए होमवर्क दिया था क्योंकि आज आप चैप्टर लिस्ट बना के आज आपके रेडी रहे और आप याद कर पाओ जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको तो पहले चैप्टर लिस्ट बनाने में समय चला जाएगा फिर आप दस पंद्रह मिनट में याद कैसे करोगे बेटा दिस इज वाई मैं जो भी होमवर्क देता हूं वो अगले दिन के लिए काफी यूजफुल होता है तो इसको प्लीज उसी दिन क्लियर कीजिएगा शानदार बेटा अनुजा जबरदस्त आपने अगर पूरे मन से लिखा है तो आई एम वेरी हैप्पी चलो याद भी हो गया बेस्ट अनुजा वेरी गुड जितने भी लोगों को याद हुए वो टाइप करके कमेंट कर सकते हैं पर सिर्फ याद हुए तब खुद से लॉयल रहना देख देख के टाइप करके कमेंट ना करना अगर याद हुए हैं और आप लाइव चैट में बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा आई एम वेरी हैप्पी अगर डन है तो कमेंट में लिख के बताइए क्या आपको सभी याद है बहुत बढ़िया अनुजा बेटा बेस्ट एक ही कमेंट में लिखिए बेटा वरना स्लो मोड लग जाएगा और आप लिख नहीं पाओगे एक ही कमेंट में एक साथ सभी चैप्टर और उनके सेक्शन नंबर टाइप कीजिए स्टार्टिंग एंडिंग और फिर कमेंट कीजिएगा जितने भी लोगों को याद है तो आप एक ही कमेंट के अंदर सभी चैप्टर और उसके स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन लिख सकते हो ठीक है चैप्टर का नाम स्टार्टिंग एंडिंग कॉमा चैप्टर का नाम स्टार्टिंग एंडिंग कमेंट में डाल सकते हो उससे हेल्प बहुत ज्यादा हो जाएगी परमानेंट याद रहेगा राधिका पहला ही चैप्टर गलत लिख दिया बेटा प्रिलिमिनरी वन से टू है तो वन से थ्री लिख दिया कैसे होगा जिंदगी में जितने लोगों को अगर याद हुआ है अगर आपको सभी चैप्टर याद हुए हैं जितने लोग लिख रहे हैं डन सर जैसे क्षितिजा का हो गया एक तो आप आपके बुक में बिना देखे वापस से उन चैप्टर्स को लिख के देखिए शॉर्ट शॉर्ट में एकदम नाम और नंबर क्या है सेक्शन नंबर वो लिख के देखिए या आप कमेंट में लिख के देखिए कोई भी चीज को कंफर्म याद हुआ है ये कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है उसको वापस से लिख के देखना सो रफ में लिख के देखिए फास्ट लिख के देखिए या कमेंट में लिख के देखिए पर लिख के देखिए जबरदस्त बेटा क्षितिजा चलो बहुत बढ़िया जितने भी लोगों को लग रहा है उनका हो चुका है प्लीज डू इट इधर राइट इट इन कमेंट और कमेंट नहीं करना है आपको तो यू कैन राइट इट इन रफ ऑल्सो आई डोंट हैव इश्यू बट आपका याद होना जरूरी है बहुत बढ़िया बेटा चिराग बहुत बढ़िया ईशा ईशा बेटा एक ही कमेंट में लिखिए या स्लो मोड में आप कमेंट ही करते रह जाओगे हर पंद्रह सेकंड बाद सब एक ही कमेंट में सब चैप्टर्स लिखिए जैसे आजू बाजू वाले आप देखिए ऊपर नीचे वाले कमेंट्स में लिख रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा जीनल बहुत बढ़िया जसमिन शानदार जबरदस्त बहुत बढ़िया अभिषेक बहुत ही शानदार मैं तो अब मतलब इसका स्क्रीन शॉट लेकर डालने की इच्छा हो रही है मेरी पोस्ट करने की आई विल पोस्ट डेटा क्योंकि देखो कमेंट कि सेक्शन कितना भारी लग रहा है उसके अंदर सब लेकिन चैप्टर लिस्ट मतलब सिक्स क्लास है आज का और सिक्स क्लास में कंपनी जाके पूरे चैप्टर्स याद, याद है एटलीस्ट चैप्टर और सेक्शन नंबर याद है दिस इज अ रेयर साइट टू सी फॉर मी एटलीस्ट कमेंट फर्स्ट टाइम कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो कमेंट देख के मैं खुश हो रहा हूँ रेयर साइट टू सी आप भी स्क्रीन लेके रखिए कभी आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वापस बहुत बढ़िया बेटा कनिका बहुत बढ़िया मुक्ता शानदार काफी अच्छे से कोट कर रहे जन, बहुत बढ़िया अंशिका जबरदस्त बहुत बढ़िया दीपांशु आपके पास और तीन चार मिनट है जितने लोग याद कर रहे हैं कीप ऑन डूइंग इट केतन एक तो रफ में लिखे या यहां कमेंट में लिखे अगर आपको याद हो चुका है तो रफ में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है शानदार बेटा जबरदस्त बहुत बढ़िया ऋषिता बहुत बढ़िया केतन शानदार रफ में भी लिखो तो भी मैं खुश हूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शानदार पर आपने लिखा वो बहुत जरूरी है चलो बहुत बढ़िया अनुजा बहुत बढ़िया उमंग बहुत बढ़िया शिवम कमेंट सेक्शन देखिए आप लाइव चैट का सेक्शन मतलब जो लोग बाद में लेक्चर देख रहे हैं ना आप लाइव चैट का एरिया देखिए, जबरदस्त तूफान रुचिता आरुषि देख के मैं को ऐसी खुशी हो रही है ना मतलब अभी तो बहुत ही जबरदस्त बहुत बढ़िया ज्ञानेश्वर बहुत बढ़िया चेतन रफ में भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं आई एम वेरी हैप्पी कहीं ना कहीं लिखो जरूरी नहीं कमेंट में रफ में लिखो कमेंट में लिखो जहां आपको सही दीवार दीवार पे लिख दो कोई दिक्कत नहीं पर लिखो आपका याद होना जरूरी है चलो लास्ट टू मिनट्स वैसे टाइम अप हो चुका है मच सेल आई एम गिविंग यू लास्ट टू मिनट्स क्योंकि कोई अगर इन प्रोसेस में है तो उसको कंप्लीट कर पाए बीच में ही प्रोसेस अटकना जाए फॉर दैट पर्पज बहुत बढ़िया ईशा बेटा जबरदस्त दीपांशु बेस्ट बहुत शानदार बेटा थैंक यू सो मच सुधांशु गुड टू सी यू टू रुशाली एक ही कमेंट में लिखो अदरवाइज स्लो मोड में आप अटक ही जाओगे एक ही कमेंट में सब लिखो रुशाली बढ़िया दीपांशु रिशिता के कुछ सेक्शन रह गए थे क्या चलो बहुत बढ़िया रिशिता बेटा अगर रह गए होंगे तो लास्ट मिनट डू इट फास्ट जितने लोगों का रह चुका है इधर राइट इन रफ और राइट इन कमेंट्स दोनों में से कहीं एक जगह पे आप लिखो बहुत जरूरी है लिखना रफ में आप लिख रहे हो तो लिख के कमेंट में ला दो कि सर हमने रफ में लिख लिया कोई दिक्कत नहीं बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर सबको ये चैप्टर सभी याद हो जाए मुझसे बाद में इस ये इंटर लॉ पढ़ो ना पढ़ो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बेटा पर अभी हम जो कर रहे हैं ये समय वेस्ट ना हो ये मेरा इंटेंशन है स्लो मोड ऑफ किया तो बेटा सब स्पैम करेंगे इसलिए स्लो मोड ऑफ नहीं कर पाऊंगा आई एम वेरी सॉरी क्योंकि फिर उसके अंदर जो काम के मैसेजेस होते हैं वो छुप जाते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा तुशाली बेस्ट बेस्ट चलो टाइम्स अप ठीक है अभी आप जहां पे हो वहां थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे दो फटाफट फटाफट कि आपका हो चुका है करके फिनिशिंग के ऊपर आ जाओ क्योंकि इससे ज्यादा समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हाँ, जो लोग चैप्टर लिस्ट बनाने से शुरुआत कर रहे हैं उनको वैसे भी मतलब कल होमवर्क जिन्होंने नहीं किया है उनको आज वैसे भी तीन बार चैप्टर लिस्ट बनानी है तो उसके अंदर उनको याद करना पड़ेगा तो रहा आई गेस उन्हीं का होगा इनकम्प्लीट सिर्फ उन्हीं का होगा जो लोगों ने चैप्टर लिस्ट अभी बनाना शुरू किया होगा अगर आपने अभी चैप्टर लिस्ट बनाना शुरू किया है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको याद अभी आना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके लिए आज जब आप तीन बार बनाओगे और आपके पेरेंट्स को दिखाओगे वो चैप्टर लिस्ट कि आपने होमवर्क की कंप्लीट किया तब आपने इसको पूरी याद करने की कोशिश करनी ठीक है ठीके? ये एक बहुत अच्छी बात है जो यहां पे हम कंप्लीट किए हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना चलो बहुत बढ़िया बच्चों आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत अच्छे से कमेंट किया मतलब तूफान कम से कम मैं बीस एक लोग तो ऐसे बोल सकता हूं जिन्होंने खुद होकर पूरे चैप्टर लिस्ट लिखे अब अब मैं आपको क्या बोलता हूं अब जरा सुनना कि मैंने पिछला आधा लेक्चर और ये पूरा नियरली एक लेक्चर या आधा लेक्चर मैंने क्यों इस चीज के ऊपर दिया कि हमको चैप्टर्स याद करने क्यों इस चीज के ऊपर दिया अब जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की होगी ना कल से लेकर आज तक होमवर्क ठीक से किया होगा पढ़ा ठीक से होगा जिन्होंने नहीं की होगी वो भी आंखें खोल के देखना कि क्यों मैं इस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा कि दर्शन सर पिछले एक दो लेक्चर से ये क्या पागलपन कर रहे हैं अभी आपको आइडिया आएगा कि दर्शन सर ने क्यों करवाया सो अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा ना बेटा तो क्या लेवल का लॉस हो सकता है यह भी आपको समझ में आएगा या आप कृपया इसके आगे होमवर्क ना करने की गलती रिपीट ना कीजिएगा क्लियर है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं इससे हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव ही

मैं एक से लेके 148 में से कोई भी सेक्शन नंबर यहां पे लिखूंगा मैं एक से लेके 148, सौ वन से लेके 148 सेक्शन नंबर में से कोई भी सेक्शन यहां पे लिखूंगा आपने मुझे सिर्फ यह बोलना है कि वो सेक्शन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है अगर आपने इतना बोल दिया सफल हो गई तुम्हारी जिंदगी अभी सफल हो गई सीए इंटर का कंपनी लॉ का टेंशन तुम छोड़ देना कि तुम्हें कंपनी साठ मार्क का टेंशन तुम बिंदास छोड़ देना इसके बाद सिर्फ लेक्चर करना तुम्हारे लिए अच्छे से फॉर्मेलिटी हो जाएगी कंटेंट याद करने के लिए पर तुम सेक्शन नंबर्स के टेंशन बिल्कुल छोड़ देना वो मेरी टेंशन होगी सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि मैं सेक्शन नंबर लिखूंगा तुम्हें बोलना है कि ये कौन से चैप्टर का है और कमेंट्स में बोलोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी जो लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी लेकिन जो लोग मन में भी बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है या आप रफ में भी लिखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर कमेंट्स में बोलो तो अच्छा आई विल बी रादर हैप्पी जितने ज्यादा लोग मुझे इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे उतना मैं खुश हो जाऊंगा पहली बात आर यू रेडी टू डू दिस एवरीबडी आर यू रेडी टू डू धिस आई विल जस्ट पुट अ सेक्शन नंबर आपने वो सेक्शन नहीं पढ़ा है आपको सेक्शन नहीं पता मैं मानता हूं आपने कभी देखा भी नहीं होगा चैप्टर तो बोल सकते हो उतनी तो मेहनत हमने लेक्चर में की है बस इतना भी आप कर दो ना आपको मजा आ जाएगा आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल की मेहनत ठोक रहे हैं यहां पे क्लियर है सिर्फ इतना करना है आर यू रेडी चलो जबरदस्त जिंदाबाद सब लोग यस yes, बोल रहे हैं वेरी हैप्पी बहुत जबरदस्त शुरू करते हैं टफ जाएगा पहले इजी इजी सेक्शन लूंगा फिर आराम से थोड़े टफ पे जाएंगे ठीक है लेट स्टार्ट विद दिस सेक्शन नंबर फाइव फटाफट कमेंट में बताना है सेक्शन नंबर फाइव याद करो जिसको देख चैप्टर लिस्ट नहीं देखना है चैप्टर लिस्ट मुझे बन चाहिए वो बुक बन करके रखो एक तो रफ में लिखो या फिर कमेंट में सेक्शन नंबर फाइव कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन क्या कमेंट किए जाते जबरदस्त चलो सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव सेक्शन नंबर फाइव जबरदस्त कितने फटाफट बोलिए -फड़ बहुत बढ़िया बच्चों सेक्शन 45 शानदार शानदार सेक्शन सेक्शन फाइव सेक्शन सेक्शन 45 सेक्शन फोर्टी कैपिटल सेक्शन ये फाइव सेक्शन डिपॉजिट किसने बोला वर्षा डिपॉजिट से है क्या सेक्शन 45 फाइव चेक कीजिए शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो कितने लोग शेयर कैपिटल बोले।, बोले 45 के ले, जम गया तुम्हारा काम सेक्शन नंबर नाइनटी बताइए मुझे सेक्शन नंबर नाइनटी याद कीजिए जो लिख नहीं रहे कमेंट नहीं कर रहे मन के मन में याद कीजिए जोर से बोलिए लैपटॉप के सामने बैठे हो मोबाइल के सामने बैठे हो घर वालों को सुनाई देना चाहिए सेक्शन नंबर नाइनटी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त अनुजा डिविडेंड बोला है आपने अनुजा सोच के बोलना 90 सेक्शन नंबर के ऊपर है, है हम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्री गलती हो सकती है आई हैव नो इशू गलती हुई पर उसको ठीक कीजिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त बच्चों बहुत ही जबरदस्त आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर मुझे आप बताइएगा सेक्शन नंबर वन सेक्शन वन चलो बहुत बढ़िया सेक्शन नंबर वन बताइए फटाफट बिना चैप्टर लिस्ट देखे बिना चैप्टर लिस्ट देखे 133 जितने लोगों ने 90 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला है बहुत बढ़िया अब 133 बताइए बहुत बढ़िया बुक्स ऑफ अकाउंट 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 जबरदस्त है खुशी हो रही है जिंदगी में कुछ किया अपन ने सेक्शन 133 थर्टी थ्री अकाउंट बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त वन ट्वेंटी एट से लेकर बताए बहुत शानदार अगला सेक्शन ठीक है अगला सेक्शन पुट करने आ रहा हूं सेक्शन नंबर सेवेंटी चलो बताइए फटाफट फटाफट सेक्शन सेवेंटी फाइव फटाफट बताइए सेक्शन सेवेंटी फाइव बिना देखे बिना चैप्टर लिस्ट देखे जो बोलेगा वही सर्वाइव होगा शानदार डिपॉजिट 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 डिपोजिट अकाउंट्स डिपॉजिट डिपॉजिट डिपोजिट डिपॉजिट डिपोजिट बहुत खतरनाक जबरदस्त अभी आपको सेक्शन याद हो रहे हैं ठीक है ठेके? उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पुट कर रहा हूं मुझे सेक्शन का नंबर चाहिए ठीक है सेक्शन नंबर 125 सेक्शन 125 फटाफट बताइए 75 चार्जेस का नहीं है केतन एक बार वापस से चेक कीजिएगा चैप्टर लिस्ट केतन को कुछ कंफ्यूजन हुआ है ठीक कीजिए गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक कीजिए सिर्फ सेक्शन वन फटाफट बताइए सेक्शन वन डिविडेंड 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 ये बात अब जाके हो रहा है तुम्हें याद सेक्शन 125 डिविडेंड 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 ये अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या पावर है इसका ठीक है नेक्स्ट सेक्शन कोट कर रहा हूं अब थोड़े से टफ जाएंगे हाँ अब थोड़े से टफ जाएंगे अब यहां पे हम कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू करेंगे सेक्शन नंबर मुझे बताइए ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी फटाफट चलो बहुत बढ़िया बेटा डिविडेंड बहुत बढ़िया जितने लोगों ने डिविडेंड बोला वन ट्वेंटी फाइव के लिए बेस्ट बहुत सारे आंसर आ रहे मैं सबके नाम नहीं पढ़ना पढ़ पाऊंगा आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी हैप्पी हर एक का आंसर देखते हुए सेक्शन नंबर ट्वेंटी बताइए किसका है फॉर्मेशन 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 बहुत बढ़िया फॉर्मेशन इन कॉपरेशन नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन नंबर फोर्टी बताइए सेक्शन नंबर 44 अब तुम जब आंसर लिख रहे हो कमेंट्स के अंदर तो तुमने अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो कमेंट्स के अंदर जो आंसर लिखना है वो सेक्शन नंबर के साथ लिखना है जैसे हमने 44 तो आपने 44 पूछा तो और चैप्टर का नाम लिखना है ठीक है सो आप चैप्टर का नाम और 44 44 और चैप्टर का नाम लिखना है इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है चलो सेक्शन नंबर फोर्टी नंबर लिखना और चैप्टर का नाम लिखना मतलब मुझे पता चल जाएगा सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो नंबर और चैप्टर का नाम बहुत बढ़िया शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल नंबर लिखो जो सेक्शन पूछ रहा है वो नंबर लिखो और चैप्टर का नाम लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अब थोड़ा स्पीड में जाते हैं अब आपको कमेंट्स नहीं करना है अब आपको कमेंट्स नहीं करना है वेट हियर आपको कमेंट्स नहीं करना है अभी आपको थोड़ा सा रुकना है अब मैं सेक्शन बोलूंगा अपने मन के मन में उस सेक्शन के चैप्टर्स को बोलना है यहां कमेंट में नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज नाउ स्पीड इज रिक्वायर्ड थोड़ा स्पीड में करेंगे तो आपको फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ याद आना शुरू हो जाएगा ठीक है तो थोड़ी स्पीड की जरूरत है आपने कमेंट नहीं करना है आपने सिर्फ रफ में पेन ले लो एक पेज ले लो उसके अंदर रफ में दराधन दराधन चैप्टर का नाम लिखना है आपने ठीक है जितने लोगों ने फोर्टी शेयर कैपिटल डिबेंचर लिखा है शानदार बच्चों जबरदस्त जिंदाबाद लव यू अब फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं मैं सेक्शन बोलूंगा आपने रफ में उसका नाम लिखना है या मन के मन के अंदर बोलना है ठीक है लेट्स गो सेक्शन नंबर 50 किसका है किसका है किसका है किसका है शेयर कैपिटल लीवेंजर सेक्शन नंबर 76 किसका है किसका है किसका है डिपॉजिट्स सेक्शन नंबर 95 किसका है किसका है किसका है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 130 किसका है किसका है किसका है अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 145 किसका है किसका है किसका है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन नंबर 10 किसका है 10 किसका है बोलो किसका है फॉर्मेशन इन कॉपोरेशन सेक्शन नंबर 30 बोलो किसका है किसका है सेक्शन 30 किसका है याद करो याद करो 23 से लेके 42 टू प्रोस्पेक्टर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सेक्शन नंबर फोर्टी वन किसका है किसका है किसका है किसका है फोर्टी वन ट्वेंटी थ्री से फोर्टी टू अगेन प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर अब थोड़ा कंफ्यूजन करना शुरू करने वाला हूं मैं आपके साथ में ठीक से आंसर दिया करो अभी सेक्शन नंबर थर्टी थ्री किसका है किसका है अगेन प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर नाइनटी वन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 126, डिविडेंड डिविजुअल प्रॉफिट सेक्शन नंबर 120, 120 किसका है किसका है बताइए किसका किसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वंस मोर सेक्शन नंबर 137 किसका है बोलिए किसका है बोलिए Accounts of the company. या आपने मन में बोलना अगर आप मन में सभी सही बोल रहे हो तो एकदम सही बोल रहे हो गलत हो रहा है तो गलती कुछ सुधार देना है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है गलती से प्राइमरी फीलिंग है हो सकता है गलती मुझे कोई दिक्कत नहीं है गलती करो तुम्हारा हक बनता है सही मैं करूंगा वो मेरा काम है सेक्शन नंबर वन फोर्टी किसका है किसका है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन नंबर सिक्सटी एट किसका 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 है 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 बोलो कहा कि था वन ट्वेंटी कहां से तक 123 से 127 डिविडेंड ऑफ डिविडेंड एंड डिविजुअल प्रॉफिट सेक्शन नंबर 39 बोलो किसका है Church... ]ja किसका है, F किस है? किस प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन किसका है फॉर्मेशन एंड इन सेक्शन नंबर एट्टी टू यह कंफ्यूजिंग जाता है ये चैप्टर कंफ्यूजिंग जाता है एट्टी टू चार्जेस ऑन अ सेक्शन नंबर एट्टी सिक्स चार्जेस ऑन अ सेक्शन नंबर सेवनटी सिक्स डिपॉजिट सेक्शन नंबर सेवेंटी सिक्स डिपॉजिट अब एक काम करते हैं मस्त वाला काम अब देखो एक मस्त काम करेंगे फटाफट फटाफट करने की जरूरत नहीं है मेरे आपकी भावनाएं पहुंच जाएगी टेलीपैथी चल रही है जिंदगी में यहां पर ठीक है मैं एक मस्त टेक्निक लगाता हूं मेरे को फटाफट फटाफट सेक्शन बोलना ठीक है सेक्शन नंबर वन कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर ऑडिट ऑफ अकाउंट सेक्शन नंबर ट्वेंटी कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर 53 कौन सा चैप्टर बोलो बोलो कौन सा चैप्टर 53 43 से लेके 72 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेक्शन नंबर 73 डिपॉजिट्स सेक्शन नंबर 33 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सेक्शन नंबर 43 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री अगेन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, सेक्शन नंबर एटी थ्री किसका है बोलो किसका एटी थ्री चार्जेस ऑन अ सेक्शन नाइनटी थ्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिर वन जीरो थ्री भी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी थ्री डिविडेंड सेक्शन नंबर वन थर्टी थ्री उाउं एंड 143 फोर्टी थ्री तो ऑडिट का हो गया ऐसे आपको सेक्शन फटाफट याद आना चाहिए एक और सीरीज लेते हैं सेक्शन नंबर सेवन फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर फिफ्टी सेवन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स सेक्शन नंबर थर्टी सेवन प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर बराबर है सेक्शन नंबर फोर्टी सेवन अगेन शेयर कैपिटल एंडर सिक्सटी 67 अगेन शेयर कैपिटल एंड एवेंचर सेक्शन नंबर 87 चार्जेस ऑन सेट का लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 127 डिविडेंड चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 137 137 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 147 ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स 107 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 97 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 117 वन भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आपको याद होने चाहिए सभी सेक्शन क्लियर है मजा अगर आ रहा होगा तो आपको याद हो रहा होगा हां थोड़ी तकलीफ हो रही होगी गलतियां हो रही होगी इट्स ओके पर अगर आपको यह सेक्शन के चैप्टर से याद है मेरा एक सिंपल सवाल है मेरा बहुत सिंपल सवाल है इसमें से कौन सा सेक्शन बच्चों आपने पढ़ा है मुझे बताओ कौन सा सेक्शन आपने पढ़ लिया एक भी सेक्शन आपने इसमें से नहीं पढ़ा है फिर भी पता है कौन से चैप्टर से है सिक्स्थ लेक्चर है हमारा आज का इजेंट इट बिग थिंग कि सिक्स लेक्चर में ही आपको पता है कि कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर से शुरू हो रहा है इजेंट इट अग थिंग बोलो फटाफट ये सर नो सिक्स लेक्चर में आपको बताया कि ये सेक्शन ये चैप्टर से ये सेक्शन ये से है। ये चैप्टर से हम पिछले डेढ़ लेक्चर से मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत हम कर रहे थे ये मेरा टारगेट था कि इस पे पहुंचे अब मैंने क्या कर दिया है पता है आपको क्या कर दिया है मैंने आपके दिमाग में ना चैप्टर्स के घर कर दिए है अब इसके बाद में मैं कोई भी सेक्शन पढ़ाना शुरू करू ना तुम इमीडिएटली तुम ना भी चाहो तुम ना भी चाहो तो तुम भी चाहो, तुम तुम तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली चैप्टर ट्रेस कर लेगा और जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं वो वहां जाके बैठ जाएगा ये होना ही है अब ये तुम मना भी नहीं कर सकते तुम अवॉइड भी नहीं कर सकते मैंने सिस्टम ऐसा ठोक के रखा है तुम्हारे दिमाग में कि तुम मना तुम बोलोगे मेरे को याद नहीं करना है मेरे को याद नहीं करना है तुम्हारे पास तुम ऑप्शन नहीं है ये सेक्शन जाएगा उसके जगह पे बैठेगा यही होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इससे कम भी कुछ नहीं होगा यही होगा मैंने सेक्शन पढ़ाना शुरू किया अब एट्रेंडम कोई भी सेक्शन में उठा लू अब मेरे पास आ गया फ्रीडम भैया और तुम्हारे पास में आ गया पावर दोनों मिलकर यूज करेंगे मेरा फ्रीडम तुम्हारा बार। मैं कल चाहू, चाहू तो लास्ट चैप्टर पढ़ा ऑडिट ऑफ अकाउंट कोई दिक्कत नहीं ऐसा मैं करूंगा नहीं पर अगर मैं भी तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने सेक्शन अपने अपने जगह पे जाके बैठ जाएंगे ये हम ट्राई कर रहे थे एक सेक्शन नहीं पढ़ा इसमें से एक सेक्शन नाम से भी नहीं पता क्या है पर यह जरूर पता है कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है यह बहुत बड़ी पावर होती है पहले ही पांच छह लेक्चर्स के अंदर और आपने देखना चैप्टर पढ़ाने के इवन पहले अपन चैप्टर को टच भी नहीं करेंगे तुम्हें सभी सेक्शन से याद रहेंगे फिर हम चैप्टर के कंटेंट को टच करेंगे ये हम करना चाहते थे ये मेरा टारगेट था पिछले एक डेढ़ लेक्चर से जिसके लिए हम एफर्ट पुट कर रहे आप भी और मैं भी अब मुझे एक बात बताओ अब सिंपल जो टेक्निक मैंने बोला अब मुझे बताओ ये बोट उठा के चलने की जरूरत है क्या अब ये बोट सिर पे लेके चलने की जरूरत है क्या अब ये बोट लेके चलने की जरूरत नहीं है अब तुमको बोट से मिल गया छुटकारा ठीक है अब बोट सिर पे उठाने की जरूरत नहीं है मतलब अब टन तन टना टन तन टन टन टारा यह टेक्निक अब कुछ काम की नहीं रही हाँ ये तब जरूर काम की थी जब दिमाग में बिठाना था तब काम की थी बुलाना बुलाना लगाना यह तब काम का था जब दिमाग में बिठाना था पर बोट ने नदी पार कर ली अब बोट को सिर पे नहीं लेके जाना है छोड़ दो बोट को कोई काम नहीं है बोट का अब हम इंडिपेंडेंट हो गए अब हम नदी के ऊपर से उड़ के भी जा सकते हैं अब अब हम नदी के ऊपर से उड़ के भी जा सकते हैं पंख आ गए भैया हम उड़ेंगे अभी उड़ने का समय आ गया यह मेरे को चाहिए था यह मेरा टारगेट था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने अचीव किया सेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जबरदस्त जिंदाबाद अगर आपको खुशी हुई होगी आपको याद आ रहे होंगे इतने सेक्शन हाँ जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको समझ में आया होगा कि क्यों दर्शन सर ने ये बोला था क्लियर है बट डोंट वरी आपका भी काम हो जाएगा जो मैंने लेक्चर किया है आज आप सिर्फ तीन बार होमवर्क करो ये लेक्चर वापस से देखो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है इसलिए यूट्यूब पे अवेलेबल है ये लेक्चर वापस देखो पूरा इस लेक्चर की प्रोसेस को कंप्लीट करो दो बार लेक्चर देखना पड़ेगा आप देखो कितना प्रॉब्लम है बच्चों एक बार होमवर्क नहीं किया दो बार लेक्चर देखना पड़ रहा है ये होगा इसलिए मैंने कल होमवर्क के लिए बोला मेरा कोई भी होमवर्क इग्नोर मत करना अगले दिन का आपका वो डेवलपमेंट हो सकता है बच्चों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे बताइए या आपको पसंद आया तो लाइक ठोकीये और बताइए और जितने लोगों को सभी सेक्शन आ गए जितने मैंने पुट किए सभी याद आ गए ना फिर तो भैया मतलब मैं मैं स्वर्ग चला जाऊंगा <laughs> मैं, मैंने स्वर्ग देख लिया ऐसा मृगले बन गया बेटा ये सभी सेक्शन आपके याद हुए होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताइए आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस गो फॉर इट फास्ट बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त जितने लोग कमेंट कर रहे हैं थैंक यू सो so मच गाइस बहुत ही बढ़िया चलो सो आई होप सो कि आपको सभी सेक्शन देखो हम दो लेक्चर कल का हाफ और आज का पूरा एक नियरली आज का पूरा लेक्चर हमने सिर्फ इस चीज के ऊपर दिया है कि हमको सेक्शन याद कर रहे हैं अब आप सिर्फ इसका मैजिक देखना अब आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी अब आपको सिर्फ हर चैप्टर के स्टार्ट में इसको याद करना है बाकी आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं बाकी तकलीफ पूरी मेरी है और वो बहुत अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा क्लियर है <coughs> कोई दिक्कत नहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई देखो मैंने क्या कहा जिन लोगों को लग रहा है उनकी थोड़ी मिस्टेक हुई कोई दिक्कत नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं तुम वापस से एक बार ये लेक्चर देख के जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं उसके थ्रू जाना ये प्रोसेस है मैंने ऐसा ही सिस्टम ही बना के रखा है कि इस सिस्टम में पुड द वैल्यू गेट द आंसर बंदे ने इस सिस्टम में तुमने यहां फोकस डाल दिया इस लेक्चर में तुमने फोकस डाल दिया तुम ये लेक्चर किसी को भी रिकमेंड करो कल का और आज का दोनों मिलकर लेक्चर का किसी को भी रिकमेंड करो और उसको पूरे के पूरे

खेलने वाला फीलिंग है क्योंकि अब तुम पढ़ाई में खेलना शुरू कर रहे हो और जब तुम किसी भी चीज में खेलना शुरू करते हो ना चीजें अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है अपने आप याद रहना शुरू कर देती है ठीक है सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं आई होप सो आज का लेक्चर भी काम में आया होगा आपके लेक्चर फाइव एंड सिक्स किसी को भी चैप्टर याद करने रिकमेंड कर दो दर्शन सर की तरफ से फ्री ज्ञान दान चल रहा है बोलना कर ले भाई ठीक है सो आज के लिए काफी करते हैं दिस ऑल फॉर टुडे दर्शन करे साइनिंग आउट गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर